हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एग्जांपल 4 देखते हैं। देखो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वेयर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। इवेल्यूएट हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन डबल सरफेस का, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, वेयर एस क्या है हमारे पास, सरफेस ऑफ दी क्यूब बाउंडेड, जहाँ हमारे पास एक्स क्या है 0 एंड एक्स क्या है 1, वाई क्या है 0 और 1 और जेड क्या है 0 और 1। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के हर सरफेस का मतलब इंटीग्रेशन निकालेंगे, सरफेस निकालना। देखो, टेक वन कॉर्नर ऑफ क्यूब एज ओरिजन, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एज शो इन फिगर, दिस हेयर सरफेस इंटीग्रल विल बी कैलकुलेटेड ओवर 6 सरफेस ऑफ द क्यूब। हर सरफेस का हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो, फर्स्टली हमारे पास क्या आता है, सरफेस ए एम पी एल किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन पे है, ए एम पी एल इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन के। देन इक्वेशन एक्स क्या बन जाएगा, 1, यहाँ देखो एक्स वन यहाँ भी एक्स वन और यहाँ भी एक्स वन, तो एक्स इज इक्वल टू 1। और एन आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है हमें, एन कैप लेना होता है, तो आउटवर्ड ड्रोन लेते हैं हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो एक्स के अगर वाई जेड प्लेन पे लेते हैं तो इनवर्ड हो जाएगा, पर हमें ये आउटवर्ड लेना है तो एक्स पे ले गए, तो आउटवर्ड ड्रोन पे हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप। तो डी एस क्या होगा, जब हमारे पास वाई जेड प्लेन में है ए एम पी एल सरफेस जो है वो वाई जेड प्लेन पे है, तो डी एस क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड अपॉन वाई और जेड, तो यह आ गया। एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप, तो एन कैप इंटू आई कैप, और एन कैप क्या है हमारे पास, आई कैप के इक्वल, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करोगे, सरफेस क्या लोगे, ए एम पी एल एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो, एक्स और जेड प्लेन पे लिया है हमने, वाई और जेड प्लेन पे लिया है, ठीक है, तो यहाँ हमारी लिमिट क्या आएगी, 0 से 1 और 0 से 1, तो देखो लिमिट डाल दी हमने वाई और जेड की। एफ वेक्टर क्या है, दिस इंटू एन कैप क्या है, आई कैप के इक्वल, एन डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ हम आई के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4zx dz dy, यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, 1, देखो क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1, अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं देन क्या आ जाएगा, 4z इंटू डी जेड डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 4z का स्क्वेयर अपॉन 2, 2 टू 4, तो क्या आ जाएगा, 2z स्क्वेयर, लिमिट क्या है 0 से 1, पुट कर दो इंटू डी वाई। अब देखो 1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकाला हमने, ए एम पी एल सरफेस का निकाल दिया। ठीक है, अब देखो इसके पैरेलल कौन सा सरफेस था, ओ बी एन सी, ये सरफेस इसके पैरेलल है, देखो ओ बी एन सी। ठीक है, तो अब इस वाले सरफेस का निकालेंगे, इस वाई जेड प्लेन पे है, अगर वाई जेड प्लेन पे है तो क्या एक्स क्या होगा, 0। ठीक है, आउटवर्ड ड्रोन बनाए गए यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो क्या बनेगा, माइनस आई कैप, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो देखो इन डबल इंटीग्रेशन ओ बी एन सी, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू 0 ले गए। ठीक है, एफ डॉट एन कैप क्या है, एफ डॉट क्या है, दिस, एन कैप क्या है, आई कैप। ठीक है, आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस 4xz, और एक्स क्या है हमारे पास, 0, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के, हेंस प्रूव्ड। अब देखो सरफेस क्या ले गए, एम बी एन पी, देखो एम बी एन पी। ठीक है, अब ये वाला सरफेस ले गए, ये सरफेस कौन से प्लेन पे है हमारे पास, एक्स जेड प्लेन पे है, दिस सरफेस दिस इज एक्स जेड प्लेन पे, देन वाई क्या हो जाएगा, जब एक्स और जेड प्लेन पे है तो वाई क्या हो जाएगा, 1, यूनिट वर्ड ड्रोन क्या बनेगा, जे कैप, तो डी एस क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू डी जेड, एक्स और जेड ये आ गया, वाई के कोरस्पॉन्डिंग वैक्टर क्या बने, यूनिट वैक्टर क्या आएगा, जे कैप इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड अपॉन जे इंटू जे क्या आएगा, 1, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन एम बी एन पी, एफ वैक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस,
एफ वेक्टर क्या है। अब यहाँ देखो एक्स जेड के प्लेन पे है हमारे पास, एक्स और जेड प्लेन पे, तो एक्स प्लेन पे लिमिट क्या है 0,1 और जेड प्लेन पे लिमिट क्या है 0,1, तो लिमिट ले ली एफ वेक्टर इंटू जे कैप, एन वेक्टर क्या है जे कैप इंटू डी एक्स इंटू डी जेड, जे के जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इंटू डी जेड कर दो, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा माइनस डी एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन, ठीक है। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दिया और फिर जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन के एक बार, ठीक है। अब देखो सेकंड सरफेस क्या लेते हैं ए ओ सी एल, ठीक है। हमने प्लेन लिया, सरफेस लिया ए ओ सी एल, किस प्लेन पे है एक्स जेड प्लेन पे है, एक्स जेड प्लेन पे है तो वाई क्या होगा जीरो, यूनिट वेक्टर क्या आएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा माइनस जे कैप, जब वाई इज इक्वल टू जीरो है तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप लोगे, एफ वेक्टर डॉट एन कैप माइनस जे की जे के साथ करोगे और वाई जीरो डालोगे तो पूरा इंटीग्रेशन जीरो बन जाएगा, तो मतलब इक्वल टू जीरो के आ जाएगा इंटीग्रेशन। उसके बाद देखो अब सरफेस क्या लोगे ए एम बी ओ, क्या सरफेस लोगे अब ए एम बी ओ, इस पर इंटीग्रेशन निकालोगे। इन्होंने फर्स्ट क्या किया है एल पी एन सी पे निकाल दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है हमारा, तो एक्स जेड क्या हो जाएगा जब एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड क्या आएगा वन, एन आउटवर्ड ड्रोन है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है के कैप, तो डी एक्स डी वाई एक्स और वाई है तो जेड के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा के कैप, एन डॉट के क्या आ जाएगा के कैप के इक्वल, तो डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन के वेक्टर के कैप इंटू के कैप का मोड क्या आएगा वन के इक्वल, तो डी एक्स डी वाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन निकालो एल पी एन सी के, ठीक है। एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, एफ वेक्टर गिवन है हमें दिस, एन कैप क्या है के कैप इंटू डी एक्स डी वाई, के की के से मल्टीप्लाई करोगे वाई जेड डी एक्स डी वाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे फिर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर दो क्या आएगा वाई डी वाई इंटू डी एक्स, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो क्या आ जाएगा इक्वल टू वन बाय टू के, हैंस प्रूव्ड। अब देखो सेकंड सरफेस क्या बनेगा इसका, ये बनेगा ए ओ बी एम, ठीक है। अब ये सरफेस लो ओ ए एम बी, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड क्या होगा जीरो और यूनिट ड्रोन वेक्टर क्या होगा माइनस के कैप, एफ वेक्टर डॉट एन कैप क्या लोगे एफ वेक्टर इंटू एन कैप मल्टीप्लाई करोगे के की के साथ क्या आएगा वाई जेड, जेड जीरो है तो पूरा इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद देखो समिंग अप ऑल द सिक्स सरफेस, हमारे पास सिक्स सरफेस का समिंग क्या आया है, ठीक है। टू प्लस जीरो माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन बाय टू प्लस जीरो इक्वल टू क्या आ गया थ्री बाय टू के, हैंस प्रूव्ड। ये देखो सिक्स सरफेस का समिंग हमने कैसे किया है वो देखो, ये देखो यहाँ ए एम पी एल का इंटीग्रेशन क्या आया था टू प्लस ओ बी एन सी का क्या है जीरो, एम बी एन पी का क्या है माइनस वन, तो टू प्लस जीरो माइनस वन प्लस जीरो और प्लस वन बाय टू और प्लस जीरो ये आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री बाय टू के, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल फिफ्थ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो टेल मी, ओके थैंक यू।